यस व्हाट आई रोट हियर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अभी तक हमने रिजर्व्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर ली है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी है, बट एट द टाइम वी वर पासिंग वन और टू एंट्रीज, लेकिन दिस टाइम ही इज सेइंग यू जस्ट हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, मींस अगर आपके पास क्वेश्चन में रिजर्व भी है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी है, कोई फिक्टिशियस एसेट भी है, तो आपने उन सबको कंबाइन करके एक ही एंट्री पास करनी, ठीक है, जिसे हम लोग जैसे पास्ट एडजस्टमेंट में एक सिंगल एंट्री पास किया करते थे, फंडामेंटल्स के चैप्टर में यहाँ पे भी ऐसा करना है। सो हाउ आई विल बी एडजस्टिंग, फॉर एग्जांपल, इफ रिजर्व्स आर देयर इन द क्वेश्चन, वो ऐड होने मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में हम लोगों ने उसे क्रेडिट करना है, अगर प्रॉफिट है तो वो भी क्रेडिट होता है, और अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल में क्या रहता है, डेबिट रहता है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर, मतलब दो आइटम्स प्लस करके बीच में एक आइटम माइनस करेंगे, जो ग्रैंड टोटल आएगा उसकी हेल्प से हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, एंड दैट एडजस्टमेंट एंट्री वी विल बी पासिंग फॉर आर ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, राइट। सो हाउ ही हैज प्रोसीडेड एंड वी विल बी कॉलिंग इट रीवैल्यूएशन, आई थिंक वो देख लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है मींस पॉजिटिव आइटम्स बड़ी है और नेगेटिव छोटी है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर नेगेटिव आइटम बड़ी है और पॉजिटिव क्या है छोटी है, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी डेबिटेड एंड रीवैल्यूएशन इज टू बी क्रेडिटेड, बट ही ओके व्हाट ही डिड इन योर बुक, he is saying it is not to be passed with the revaluation account, it is to be passed with gaining partners, main case batati hu, gaining partners capital is to be debited to sacrificing partners capital account, ye topic yahan pe dalna nahi chahiye tha, purani books mein to nahi hota tha, pata nahi is chapter mein why he has introduced, एडमिशन के टाइम पे हमारे पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हो सकता है एडमिशन के टाइम पे किसी एक को गेन हो और बाकियों को क्या हो, सैक्रिफाइस हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी एडजस्टेड बाय फॉलोइंग द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा, आई एम रिपीटिंग इट, व्हेन एवर इन द क्वेश्चन ही सेज पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, कोई एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, मतलब वो क्वेश्चन में बोलेगा रिजर्व को डेबिट नहीं करना, वैसे तो सिंपल एंट्री है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। इसी तरह से अगर प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन वो कहता है अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी, सो वी मेड अ रूल, वी विल बी डेबिटिंग द गेनिंग पार्टनर्स एंड वी विल बी क्रेडिटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये पुराने पार्टनर ही होंगे, और कितना कितना गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा दैट वी विल सी। If reverse happen, जैसे मैंने बोला negative balance ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? Sacrificing partner debit होंगे। अभी question करते हैं तो ज़्यादा clear होगा। To gaining partner। Forty fifth question पढ़ो। You will get certain highlights of the question and then you will find how the question is to be solved. Already I have three partners in that illustration 45th. P is to Q is to R. This is 45th illustration. We have three partners in the question. 6:3:1. S is being admitted. जैसे ही S आया तो ratio हो गई है। सबसे पहले मेरी ड्यूटी है न्यू और ओल्ड रेशियो मेरे पास है, पहले मैं सैक्रिफाइस निकालूंगी, व्हाई सैक्रिफाइस, आई कॉल इट बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एडमिशन, और एडमिशन के टाइम पे आमतौर पे सैक्रिफाइस ही होता है मेरे पुराने पार्टनर्स को, हो सकता है किसी एक को गेन हो, दैट वी विल सी, बाकी बाद में पढ़ते हैं। पी इज सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस 6/10 minus 3/10, he is sacrificing 3/10. Q's sacrifice 3/10 minus 3/10 neutral, nil. Na isko gain hua, na isko sacrifice hua. What about my third partner? He will definitely be gaining. 1/10 minus
3/10, so he is gaining with negative में आंसर आया, मैंने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस का पर आंसर आया नेगेटिव में, तो डेफिनेटली आर इज गेनिंग, तो इतना तो क्लियर हो गया आर इज गोइंग टू बी डेबिटेड इन द एंट्री अगर इसका पॉजिटिव आंसर आएगा और पी इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलेगा तू मेरे को कॉम्पनसेशन दे क्योंकि तेरे को तो बैठे बैठाए गेन हो गया है जबकि एडमिशन के टाइम पे मैं अकेला ही क्या कर रहा हूँ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट ही इज गिविंग मी इन द क्वेश्चन, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। Yes, they also decide to record the effect of the following without affecting. जब ये लाइन लिखी होगी without affecting their book values, means reserve को डेबिट नहीं करना, P&L को डेबिट नहीं करना, means एक ही adjustment entry pass करनी है plus minus करके, ठीक है? Book value disturb हो जाती है जब मैं entry करती हूँ general reserve account debited to old partners capital account, मेरे को ये सारी कहानी बनाने की जरूरत नहीं थी। Why I am calculating sacrificing ratio for the distribution of reserve? Sacrificing ratio तो मैं हमेशा premium फॉर गुडविल को डिवाइड करने के लिए कैलकुलेट किया करती थी। सो दिस इज अ न्यू केस व्हेन ही सेज दैट दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज द बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आई हैव इन द क्वेश्चन जनरल रिजर्व पॉजिटिव पार्टनर्स को मिलता है, प्लस का साइन आपकी कन्वीनियंस के लिए डाल रही हूं। देन वी हैव कंटिंजेंसी रिजर्व टू मीट द इमरजेंसी सिचुएशन, फर्म माइट हैव क्रिएटेड दिस कंटिंजेंसी रिजर्व 30,000। अगर P&L का डेबिट बैलेंस होता तो मैं माइनस करती, ये P&L का क्रेडिट बैलेंस है, सो आई विल बी एडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मेरा फिक्टिशियस एसेट है, वो माइनस होगा 2, 10 और 3 लाख माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 120, तो कुल मिला के मेरा क्या आया 180, राइट डन 1,80,000। आपको नहीं लगता एस को भी गेन ही हुआ है, एस का पहले शेयर क्या था 0 था, ठीक है? सो एस को भी क्या हुआ है, अब उसका शेयर कितना हो गया 1/10, ही इज आल्सो बेसिकली अ गेनिंग पार्टनर। सो हमारी एंट्री क्या कहती है, गेनिंग पार्टनर्स आर टू बी डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक ही है, गेनिंग ये दोनों एस और आर, सो एस और आर इज टू बी डेबिटेड with their gain, S is to be debited with 1/10, 18,000 आएगा, R is to be debited with 2/10 of this, और इसके आगे लिखिए net effect, net effect को उनके gain के साथ multiply कर दीजिए, R कितनी compensation देगा, 180 का 2/10, so he will give the compensation 36,000, he will give the compensation of 18,000, कुल मिला के पी को कॉम्पनसेशन मिल जाएगी 18 + 36 दैट कम्स टू अस 54,000 एंड दिस होल सीन आई हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ एन एंट्री। व्हाट एंट्री आई विल बी पासिंग, यस गेनिंग पार्टनर्स आर टू बी डेबिटेड एंड गेनिंग पार्टनर्स आर आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यस सेकंड इज कौन था, एस कैपिटल इज अ न्यू पार्टनर to P's capital, R's capital is to be debited with 36,000, S capital is to be debited with 18,000 and he will be getting 54. So whosoever are gaining including my new partner that are supposed to be debited in the entry. Narration check karo kya likhi hai, adjustment of reserves, accumulated profits and losses. Sirf ek illustration dali aisi, back exercise question dekho iski hai kuch, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में कोई ऐसा पार्ट डाला है, हाँ जी, तो डेबिट का मतलब लॉस है ना, फिक्टिशियस एसेट है ना, तभी तो माइनस किया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट एवरी टाइम, इट्स नेचर विल नेवर गेट चेंज्ड, ओनली द इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट देयर कैन बी द लॉस, ठीक है? P&L का कभी डेबिट हो सकता है, कभी क्रेडिट हो सकता है, इफ इट इज डेबिट दैट इज टू बी डिडक्टेड, इफ क्रेडिट दैट इज टू बी एडेड, क्रेडिट मींस प्रॉफिट है और डेबिट मींस लॉस है, कोई भी नहीं है क्योंकि एक ही तो इलस्ट्रेशन डाली है, बैक एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में वी विल डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन।
सारा जर्नल एंट्रीज ही है। अब 55th क्वेश्चन देखो फिर भी बैक एक्सरसाइज का, सारे रिजर्व्स वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन। 55th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज एंड आफ्टर डूइंग दिस 55th अब वी विल सी दैट एमसीक्यू एज वेल, जो कल छोड़ा था एमसीक्यू, राइट। 55th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज, एवरीबॉडी विल ओपन पेज नंबर 5.93। जैसे ही W की एडमिशन हुई हम बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, इन द बैलेंस शीट वी हैव जनरल रिजर्व। वो नहीं बोलेगा कि जनरल रिजर्व डिवाइड करो, हम करेंगे पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में। जैसे मैंने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देखी, आई डू हैव कंटिजेंसी रिजर्व, योर बुक P&L is appearing on the liability side means that is profit. मैं तीनों को कंबाइन करके कंपाउंड एंट्री पास करूंगी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पार्ट एक खत्म हो जाता है वहां पे। चलिए जी, आई विल बी पासिंग द फर्स्ट एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। फॉर्मेट बनाओगे आप जर्नल का, एवरी टाइम चाहे वो एक एंट्री क्यों नहीं पूछता, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो आएंगे ना जब रिटायरमेंट एज करेंगे तो वहां पे भी ये एंट्रीज आनी है, राइट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड कैपिटल। वैसे तो मैंने कंबाइन बोला, मैं कंबाइन ही करवाऊंगी भाई, क्योंकि तीन चीजें हैं। कंटिजेंसी रिजर्व इज टू बी डेबिटेड, कंटिजेंसी रिजर्व इज ऑल्सो टू बी डेबिटेड, एंड देन आई हैव P&L अकाउंट दैट इज ऑल्सो टू बी डेबिटेड। डेबिटेड, 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 तीनों की अमाउंट लिखवाइए। जनरल रिजर्व इज ऑफ 36,000, कंटिजेंसी रिजर्व इज 6,000 एंड P&L इज 18। 18 और 6 24, 24 और 36 60, 60,000 क्या है, 18 ही लिखा है, 36 है, ठीक है, ठीक लिखी मैंने अमाउंट, क्या हो गया, आप कौन सा चेक कर रहे हो, 55th का ए पार्ट है, जनरल रिजर्व 36 ही है, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, मैंने जनरल रिजर्व थर्ड नंबर पे लिखा। 60,000 टोटल, 60,000 को कौन सी रेशियो में डिवाइड करना है, 5:3:2 है, 5/10, पहले हाफ 30,000, 3/10 बोलो जी कितना, 60,000 का 3/10 18 और 12। एनी डाउट टू एनीवन, फर्स्ट एंट्री शुड बी क्लियर टू एवरीवन और यू कैन चेक फ्रॉम योर बुक एज वेल, दे रखा है उसने 30, 18 और 12, डन। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मोहित आई एम रिपीटिंग योर स्टेटमेंट अगेन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज ऑलवेज अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट मर्ज्ड हियर, क्योंकि ये तीनों आइटम्स क्रेडिट वाली थी तो इन्हें डेबिट करके खत्म किया, वो आइटम ऑलरेडी डेबिट वाली है तो उसे क्रेडिट करके खत्म करना है, तो सेकेंड एंट्री आई नीड टू पास। बोलो क्या, क्या एंट्री पास होगी, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एनी डाउट टू एनीवन, दिस इज वॉट 24,000, 24,000 का 5/10, 24,000 का 3/10 एंड देन 4,800, डन। 12,000, 7,200 एंड 4,800, नरेशन पहले की, बींग रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स इट, बींग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, ये सारा खेल किनका है, मेरे पुराने पार्टनर्स का, और मैंने पुरानी रेशियो को ही यूज किया। फर्स्ट पार्ट डन, वेयर बाय ओनली एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट वाज गिवन, एक्सट्रैक्ट मींस अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट वाज गिवन, राइट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर वो कहता कि बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी तो क्या करती, तीनों को एड करती, इसको बीच में से क्या करती माइनस, 60,000 में से 24,000 माइनस होता, अभी केस करवाया 36,000, फिर गेन और सेक्रीफाइस निकालते, लेकिन गेन और सेक्रीफाइस नहीं निकल पाता क्योंकि क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो नहीं दे रखी, ही इज नॉट गिविंग मी द न्यू रेशियो, ठीक है। जब कभी भी वो बुक वैल्यू नहीं चेंज करने वाला क्वेश्चन डालेगा तो वो साथ में आपको न्यू रेशियो जरूर दे, तो इट विल ऑल्सो बी द केस दैट वन ऑफ द पार्टनर विल बी गेनिंग इन दैट केस,
because that partner is going to be debited and other partners, sacrificing partners are going to be credited. Second के बहुत सारे part हैं, देखो जरा B part पढ़िए. 55th question B part में क्या है, let's read. Yes, give the journal interest to distribute WCR. मेरे पास है, मैं पहले ही debit कर लेती हूँ. मेरे को उसे divide करना है ना, कर दिया debit. WCR को कहता है divide करने की entry. बताओ, जब Z की admission होती है और कोई claim नहीं है इसके against और firm के पास दो ही partners हैं X और Y. पुराने partners की ratio ही नहीं दे रखी. This is why, भाई. It means कि they are equal ना. फटाफट करनी entry लेके फिर ना बैठ जाना. बोला फर्म के पास रिजर्व है 72,000, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है. जब क्लेम नहीं होता तो मैं सारे का सारा डिवाइड करती हूँ बिटवीन माय ओल्ड पार्टनर्स. दीस आर माय ओल्ड पार्टनर्स, उनकी शेयरिंग नहीं दे रखी तो इक्वल है. हो गया 36,000, 36,000 ईच, वी डिवाइडेड, डन. बी पार्ट डन. ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन? व्हिच रेशियो आई अप्लाइड हियर? इक्वल. व्हाई? व्हेन द डीड इज साइलेंट अबाउट देयर शेयरिंग रेशियो, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर्स, राइट? कौन सा एक्ट कहता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932. रूल्स मैंने अप्लाई करे. डन. तो दिस वाज बी. सी पे आइए. फिर से कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 है. डन. अब की बार इसके अगेंस्ट क्लेम है तो क्लेम में ट्रांसफर करो. क्लेम फॉर कंपनसेशन. इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फटाफट आइटम्स पढ़ो और उन्हें एंट्री में पोस्ट करो. और फिर वो एंट्री में पूछेगा व्हाट इज टू बी डेबिटेड, लाइक क्लेम इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द एंट्री. विद व्हाट अमाउंट द क्लेम इज टू बी डेबिटेड, विद व्हाट अमाउंट योर पार्टनर्स आर टू बी क्रेडिटेड, जब वो एमसीक्यू बनाएगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने रफ वर्क में और वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करके ही देखना पड़ेगा. सो व्हाट एवर इज बीइंग लेफ्ट, 24,000. और कहता फिर से फर्म के पास कितने पार्टनर है? दो ही पार्टनर है. शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी तो दे आर इक्वल ना. 12,000 ईच. डन. खत्म. वहां पे ढूंढने थोड़ा ना बैठना, ना ही कहना कि मिस प्रिंटिंग है. व्हेन द रेशियो इज नॉट गिवन दे आर इक्वल पार्टनर्स. डन. सी पार्ट इज आल्सो डन. आइए डी और ई पे. सी डी पार्ट. गिव द जर्नल एंट्री. यस, अब की बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है सो दैट इज टू बी डेबिटेड. अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डाउनफॉल आएगा तो मैं इसे यूज करूंगी टू दैट एक्सटेंट जितना डाउनफॉल आता है. 24,000 जेड की एडमिशन हुई है. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 120 लाख एंड मार्केट वैल्यू थी 110. 10,000 का घाटा हुआ. जो इन्वेस्टमेंट का घाटा होता है वो उसके अगेंस्ट हम एडजस्ट करते हैं. 10,000 का घाटा है मतलब 10,000 का डाउनफॉल. 24,000 में से 10,000 मैंने यूज कर लिया. फर्म के दो ही पार्टनर्स हैं, 7,000 डिवाइड कर दो फिर से इक्वल पार्टनर, क्योंकि बचा ही कितना 24,000. ठीक है जी. टू व्हाट एक्स कैपिटल, टू व्हाट वाइज कैपिटल, 7,000 ईच. एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? एवरी पॉइंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर इलस्ट्रेशंस, इन आवर थ्योरी. ई पॉइंट पे आइए. ओके, कुछ नया है, ध्यान से जो वो बोलेगा मैं वो करूंगी. कहता जर्नल रिजर्व 4,800 था, मैंने लिख लिया 4,800, मैंने डेबिट भी कर दिया. ठीक है, आगे क्या कहता है? जेड की एडमिशन हुई, हमने तब सोचा कि जर्नल रिजर्व का 20% मैं आईएफआर में ट्रांसफर करूंगी. मतलब एक जर्नल रिजर्व में से पैसा निकाल के स्पेसिफिक में ट्रांसफर करना. 4,800 का 20% जब मैं इसमें ट्रांसफर करूंगी तो कितना आएगा? 960 ही बनेगा. इसमें चला गया 20%, इसमें चला गया, जो बच गया वो डिवाइड कर देते हैं ना. अगर ये वाली लाइन ना लिखता तो मैं सारे का सारा जर्नल रिजर्व अपने पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करती, लेकिन कहता इसमें से निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दो. ही मे राइट 50% इसमें ट्रांसफर करो तो मैं बाकी 50% डिवाइड करती. 900 अगर मैं माइनस करती तो बनता 3,900. 3,840 को डिवाइडेड बाय 2 करो, 1920. चेक करो आंसर भी. हाउ मेनी पार्टनर्स वर देयर? ओल्ड पार्टनर्स x टू x कैपिटल टू y कैपिटल. हु विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट वंस अगेन इन द क्लास?
who will explain this point? Why I did so? Why I credit IFR here? What's your name? Lakshit. Lakshit, bolo. He told us कि जनरल रिजर्व में से 20,000 एडमिशन के टाइम पे हमने डिसाइड किया कि हम आईएफआर में ट्रांसफर कर देंगे, तो एक रिजर्व में से डेबिट करिए, दूसरे में क्रेडिट कर दीजिए, यही किया। बाकी जो बचा मैंने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर बीइंग ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर। एनी डाउट टू एनीवन? शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट? दिस वॉज माई ई पॉइंट, लेट्स कम टू एफ। F पॉइंट पे आइए, रीड इट एवरीवन। यस, लंबी चौड़ी कहानियां। यस, दिस इज आवर एडजस्टमेंट। मैं दिस फॉर दिस आई वाज सर्चिंग कि कोई एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन हो, तो आ गया भाई, ठीक है। फॉर दैट आई नीड टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग फर्स्ट। लेट्स रीड। F पॉइंट ऐसा ही है, A इज टू B इज टू C। Their old ratio was 3:6:3:1. D has been admitted ditto as of illustration. They decide to record the effect of the following without affecting their book values by passing an adjustment entry. बाकी चीजें बाद में देखेंगे, पहले gain और sacrifice निकाल लें। चलिए जी, A is a sacrifice. (6/10 - 3/10). He is sacrificing, जैसे वहां पे P sacrifice कर रहा था 3/10 से, ठीक है। आगे चलते हैं, B will be at neutral, रुचिका ठीक है, क्योंकि उसका पुराना भी 3/10 था, नया भी 3/10 है, he is at neutral position, nil, done, now what to do next? C is sacrifice, negative में आएगा, means he is gaining, 1/10 - 3/10, so he is gaining, what about D? D is also gaining, क्योंकि डी का पहले शेयर जीरो था, अब कितना है 1/10, तो -1/10, इसके साथ भी माइनस लगाओ। दीस इन सर्कल पार्टनर्स आर गेनिंग एंड ओनली वन माय ए पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग। एंट्री तो बन गई वैसे ही, बोलो क्या? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बट विद व्हाट अमाउंट? दैट अमाउंट वी नीड टू सर्च। ऑल द रिजर्व्स आर टू बी डेबिटेड, ऑल द रिजर्व्स आर टू बी एडेड as well as profit is to be added in between, और अगर कोई fictitious asset या loss है तो वो minus कर देंगे। तो देखते हैं कितनी items हैं। ऊपर लिखेंगे calculation of net effect, calculation of net effect। बताओ जी क्या क्या add होगा, क्या क्या minus होगा? General reserve is to be added, positive रहेगा ये, 1,50,000, right? Contingency reserve is also to be added, 60,000. P&L का credit balance है, is to be added. Had it been debit, तो मैं minus करती. 210, पुराना वही question बना दिया सारा. 3 lakh minus advertisement suspense, it is never credited. 180, can't you pass the entry? वही entry बनी, 180 into 3/10 = 54,000, 180 × 2/10 = 3,600, 180 same ditto question है, 180 × 1/10 = 18,000. So B, C is debited, C is debited, D is debited because they are gaining, right? 2A is capital, same as of your illustration. तो और कोई question ही नहीं, हमारा author frame कर पाया कि double कर दे amount या half कर दे, कुछ नया question बन जाता, but no. So this was 55th. Come to the next back. Your illustrations part. Let's see the next topic. Yes, 42nd illustration पे आइए बेटा जी. नहीं 42nd नहीं, हम तो 45th कर बैठे हैं. कौन सा किया अभी हमने? हाँ 45th हम लोगों ने कर लिया. 46th देखिए. See 46 जितना आज हो जाएगा discuss उतना करेंगे, बाकी continue करेंगे Monday. Highlight points कर लेते हैं discuss. Let's see.
पढ़ो, हु इज न्यू पार्टनर, हु आर द ओल्ड पार्टनर्स, व्हाट इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट्स सी. We have two partners, W is to R, 3 is to 2. मैंने झट से नीचे वाली लाइन पढ़ ली बैलेंस शीट के बाद वाली. C is being admitted, C is coming for 1/6. फिर मैंने थोड़ी सी निगाह दौड़ाई कि कहीं पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं दे रखी. नहीं दे रखी, इट मीन्स कि देयर सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड. ऐसा ही होता है जब नए बंदे का इंडिविजुअल शेयर दिया होता है और नई रेशियो के बारे में खुद कुछ नहीं कहा होता, देन सेक्रीफाइसिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो. सो दैट्स आई अज्यूम्ड कि ओल्ड के बराबर ही रहेगा. ओके, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है. अब देखो, जब ऐसे लेंथी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपने देखना है बैलेंस शीट में कुछ डिवाइड करने को तो नहीं है. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रिजर्व डिवाइड करने को होते हैं, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल रिटर्न ऑफ के लिए होती है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ के लिए होते हैं. ये जो 3-4 एंट्रीज हैं, ये आपने खुद ब खुद करनी है, उसने नहीं बोलना. दिस इज अ स्टेप. जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना मेरा स्टेप है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसी तरह से रिजर्व्स डिवाइड करना आपका अपना एक मैंडेटरी स्टेप है, विच विल रन इन टू योर माइंड. सिमिलरली इफ फिक्टिशियस एसेट्स आर देयर दैट यू नीड टू राइट ऑफ, मतलब दिस इज अ मैंडेटरी स्टेप. तो मैंने जैसे ही अभी मैंने कुछ और नहीं पढ़ा, जनरल रिजर्व की एंट्री मैं सबसे पहले करूँ. Because that is to be divided between my old partners into their old ratio. करो फिर, आपको आती तो है. General reserve account debited. बोलो आगे. To W's capital, to R's capital. So general reserve is appearing in the equation. That is 5,000. My first partner will get 3,000. Very easy ratio, 2,000. Any doubt to anyone? जैसे मैंने asset side में देखा कुछ भी write off करने को नहीं है. Now I can proceed. मैंने फर्स्ट पॉइंट देखा, जो सी आ रहा है वो अपने हिस्से की 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है, 10,000 अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, जिसका हाफ हाफ डब्ल्यू और आर ने विदड्रॉ कर लेना. पहले कैपिटल लेके आने की एंट्री करवाओ. बोलो एंट्री, प्रथम बोलो आप. कैपिटल जब लेके आता सी, बिल्कुल ठीक. कैश अकाउंट डेबिटेड. आगे टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट. सो कैपिटल इज 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल इज 10,000, एंड इट कम्स टू मी 40,000, राइट. अगली एंट्री आपने खुद ब खुद याद रखनी है, जो वो प्रीमियम, पूरा वर्ड लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो पुराने पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करो. बोलो जी दमन एंट्री. बिल्कुल ठीक है जी. टू डब्ल्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल. सो नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड. ये भी आपने खुद ब खुद करनी है. और दमन कौन सी रेशियो में? बिल्कुल ठीक, एक एंट्री में ही तो सेक्रीफाइस यूज होता. टू डब्ल्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल. सो ही वॉज ब्रिंगिंग 10,000. 10,000 का 3/5 कितना बनेगा? 6,000 एंड 4,000. फिर वो कहता है हाफ ऑफ द गुडविल दे हैव विथड्रॉन. अंकिता बोलो, हाफ ऑफ द गुडविल दे हैव विथड्रॉन. अगली एंट्री बोलो, हाफ ऑफ द गुडविल डब्ल्यू एंड आर दे हैव विथड्रॉन. करवाया हुआ आपको ये भी केस? यस. चलो समय का बोलो, हाफ ऑफ द, क्यों बुक नहीं लेके आए? साथ में भी नहीं चल रहे देखो मेरे. हाँ, वेरी गुड. डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश. दे आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द बिजनेस. They are not retaining that money into the business. W's capital account debited, R's capital account debited to cash account. वो 6 में से 3 ले जाएगा, वो 4 में से 2 ले जाएगा. Overall outflow 5,000 होगा. 3,000, 2,000 and 5,000. बाकी continue करेंगे. Hurriedly I can't complete, right? कुछ entries रह गई हैं मेरी revaluation की. We will continue. We will prepare revaluation account in our working notes. We will find out its profit and loss, and then that will be, we will divide. Okay, so now we have arrived at the comprehensive illustrations without capital adjustment. I'm repeating all the steps. Calculate sacrificing ratio. First step, second step, bolo. Treatment of goodwill, premium for goodwill. Then revaluation of profits and losses. Then accumulated profits, reserves, etc.
चार ही तो स्टेप्स हैं पूरे चैप्टर में, सो इन चारों के अलावा और कुछ उसने पूछना ही नहीं है. फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट? द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे.